नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय संख्या 7 को पढ़ रहे थे। वैधानिक कार्यपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया, या कह सकते हैं वैधानिक जो अध्यक्ष रहता है कार्यपालिका का, उसके कार्य, उनकी शक्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियोस में। अभी जो अपना चलेगा पॉइंट वह रहेगा वास्तविक कार्यपालिका, और वह भी किसकी? मंत्रिपरिषद। ठीक है, यानी कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष है, वास्तविक रूप से या व्यवहारिक रूप में जो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है कार्यपालिका का, संचालित किया जाती है जिसके द्वारा कार्यपालिका, वह क्या रहती है? मंत्रिपरिषद। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का वास्तविक संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका प्रधान उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यानी वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और जिसका प्रधान या उसका मुखिया कौन रहता है? उस राज्य का मुख्यमंत्री रहता है। यानी एक प्रकार से अपने कह सकते हैं राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन रहेगा? उस राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, यानी कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। वैसे संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। किसके नेतृत्व में किया जाता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका संचालन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य की विधानसभा के प्रति वह क्या है? उत्तरदायी रहते हैं। मंत्रिपरिषद जो होती है उसके अंदर सारी शक्तियां निहित रहती है कार्यपालिका की, और वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तविक रूप से रूप में कार्यपालिका की सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, अगर सारी चीज़ ही मंत्रिपरिषद है तो इसका गठन किस प्रकार से होता है वह देखते हैं। सबसे पहले राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन, राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन, तो इसमें सबसे पहले बात आती है अपने पास कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की
नियुक्ति। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है अभी तक कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है या प्रधान होता है वह कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, राज्य के अंदर, वैसे संसद के अंदर प्रधानमंत्री रहता है वह। तो यह जो मुखिया है उसकी नियुक्ति सबसे पहले की जाएगी और किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है, ठीक है। सबसे पहले किसको नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। कौन करता है मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री की परामर्श से या मुख्यमंत्री की मर्जी के अनुसार। मोस्टली क्या है, मुख्यमंत्री का ही सारा सिस्टम रहता है। मुख्यमंत्री जिसको मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाता है, जिनके लिए चुनता है, उन पर राज्यपाल क्या है, हस्ताक्षर करता है, नाम मात्र का कार्य रहता है जो राज्यपाल होता है उसका। तो 164 के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार क्या होगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा तथा फिर जो राज्यपाल होगा वह क्या करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो यह थोड़ा प्रोसीजर रहेगा। इस संबंध में यह निश्चित परंपरा है कि राज्य की विधानसभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यह चीज़ तो कॉमन सी है, सबको ही पता है कि जिस पार्टी के या जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है या जिस दल की सीटें ज़्यादा आती हैं या सदस्य ज़्यादा चुने जाते हैं क्षेत्रों से, उसी पार्टी या उसी दल के जो नेता होता है कोई एक, उसको क्या है, मुख्यमंत्री के पद के रूप में चुना जाता है। यानी जो जितनी ज़्यादा सीटें जीतेगा उतने ही उसके चांसेस बढ़ जाते हैं मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार करने के या मुख्यमंत्री बनने के, ठीक है। ये परंपरागत विषय है, ठीक है। लेकिन कुछ स्थितियों में, विशेष स्थितियों में क्या है, राज्यपाल अपनी मर्जी से भी क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है, लेकिन वह कुछ ही विषयों में है। वैसे नॉर्मली हमेशा ही ऐसा होता है कि जिसके पास ज़्यादा बहुमत है वही मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है। अब यह तो हो गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब है मंत्रियों का चयन, यानी मंत्रिपरिषद बनानी है तो मंत्रियों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा मंत्रिपरिषद के गठन का वह पूरा होता है, सिंपल सा है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या कर लेता है, मुख्यमंत्री बना लेता है और बाद में उसकी सलाह से क्या करता है, अन्य मंत्रियों को चुनता है। तो अब मंत्रियों का चयन शुरू हो गया है मुख्यमंत्री चुनने के बाद। मंत्रियों का चयन, देखिए मंत्रियों को चुनने के लिए भी क्या है, विशेष कार्य प्रणाली रहती है इनकी। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री करता है और वह मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है, ठीक है। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों तथा मंत्रियों के नामों तथा उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है,
ठीक है, यानी एक प्रकार से क्या है, मुख्यमंत्री ने ही उनको चुन लिया है, मुख्यमंत्री की मर्जी से ही सब कुछ सब चुने गए हैं। ठीक है, बस क्या किया है, मुख्यमंत्री ने सबको चुना और उसकी सूची किसको सौंप दी, राज्यपाल को। अब राज्यपाल के हाथ में रहता है कि उनको ही वास्तविक रूप से उस विभाग का मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, यह उसके विवेक का प्रश्न रहता है। अब मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है, यानी उसके मुख्यमंत्री जिसको चुन लिया गया है वही डिसाइड करता है कि मंत्रिपरिषद के अंदर कितने सदस्य होंगे, कौन सा मंत्री कौन से विभाग का अध्यक्ष रहेगा। यह सारी चीज़ें डिसाइड किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा डिसाइड की जाती है। राज्य में और केंद्र में क्या है, यह सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या है, दोनों का विशेष अधिकार माना जाता है, सेंटर में प्रधानमंत्री का और स्टेट में किसका, मुख्यमंत्री का। ठीक है, तो यह रहता है। 91वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है, यानी मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से कितनी भी बड़ी मंत्रिपरिषद बना सकता है, लेकिन उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 15% तक ही बनाया जा सकता है उसके द्वारा। यानी किसी भी राज्य की जो 15% विधानसभा की सीटें हैं उतने ही सदस्य क्या हैं, किसके अंतर्गत हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसको 91वें संविधान संशोधन में 91st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था उसके तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, और यह किसने किया होगा, अमेंडमेंट कौन कर सकता है इस विधान में, सिर्फ संसद कर सकती है, कोई भी राज्य की विधानसभा उसमें या विधानमंडल नहीं कर सकती है। तो संसद के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, इस विधान का संशोधन किया गया था 91st जो था उसके अंतर्गत क्या है, 15% विधानसभा की सीटों तक ही सीमित है मंत्रिपरिषद की सीटें। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री व्यावहारिक दृष्टि से कुछ बातों को ध्यान में रखता है, जैसे राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों और मंत्री परिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व किया जा सके। यानी ऐसा नहीं हो कि अपने परिवार के ही लोगों को वह चुन ले, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग के लोगों को चुन ले, एक विशेष प्रकार के लोगों को चुन ले, सभी को क्या है बराबर रूप से प्रतिनिधित्व मिले, इन चीज़ों का ध्यान मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्णय निर्माण किया जाता है, जिसे मंत्रिपरिषद का एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। यानी ऐसा नहीं करता है मुख्यमंत्री कभी भी कि मंत्रिपरिषद चुन रहा है तो उस समय वह क्या करे, दूसरे दल के नेताओं को मंत्रिपरिषद में ले ले, ऐसा नहीं करता है वो। तो वह ज़्यादातर क्या करता है, अपने ही दल के नेताओं को क्या है, मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनाता है, ताकि लोग पहले से यूनाइट होकर कार्य करते रहें, उनकी यूनिटी में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर विपक्ष का होगा तो विरोधाभास रहेगा, विरोध करते रहेंगे एक दूसरे का, जिसके कारण कार्य का जो संचालन है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इस प्रकार की जो विशेष बातें हैं कि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, सभी वर्गों को, और सभी क्या है एक ही दल के नेता हो, इस प्रकार की विशेष बातों का ध्यान मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जाता है। जब वह किसका चयन करता है, राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करते समय मंत्रियों का चयन करता है, तब इन चीज़ों का वह ध्यान रखता है। और किसके द्वारा, विशेष अधिकार के रूप में मुख्यमंत्री के द्वारा ही इन सभी चीज़ों की संख्या व बाकी चीज़ें निश्चित की जाती हैं। इसके अलावा क्या है, मंत्रियों की योग्यताएँ क्या होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 3 आता है, मंत्रियों की योग्यताएँ, कि मंत्रियों जो चुने जा रहे हैं उनके पास योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य हों। मंत्रियों के लिए यह आवश्यक है कि वे विधानमंडल के किसी एक सदन के सदस्य अवश्य हों।
यानी चाहे तो वो विधान परिषद के सदस्य हों और चाहे वो विधान मंडल के सदस्य हों, लेकिन दोनों में से किसी एक सदन के वो सदस्य होने जरूरी हैं, यह उनके लिए कंपलसरी रहता है, अनिवार्य रूप रहता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, और ऐसा करने में असफल रहने पर मंत्रिपरिषद उसको क्या है, पद छोड़ना पड़ता है। जैसा कि यह था कि जो सेंटर में मंत्रिपरिषद था उसके निर्माण के समय भी यही प्रोसीजर था, उसको भी क्या था, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य था। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के अंतर्गत अगर मंत्रिपरिषद का वह मंत्री चुना जाता है, उसकी मंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, तो उसको क्या है, दोनों सदनों विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का वह सदस्य अवश्य हो, ऐसा उसके लिए कंपलसरी है। अगर नहीं कर पाता है तो कितने 6 माह का टाइम उसको होता है, 6 मंथ का टाइम होता है। 6 माह के अंतर्गत अगर वह दोनों में से किसी एक जगह का क्या है सदस्य नहीं बनता है, दोनों सदनों में से किसी एक जगह का सदस्य नहीं बनता है, तो उसको वह अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं रहा है। तो यह योग्यता उसके पास होनी चाहिए कि वह विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो, इट इज़ कंपलसरी टू देम। ठीक है, अब है मंत्रियों का कार्य विभाजन, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना, यह चीज़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मंत्रियों का कार्य विभाजन। जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तैयार करता है उसके बाद उन मंत्रियों के लिए क्या है, कार्य का विभाजन किया जाता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 3, मंत्रियों का कार्य विभाजन। देखिए मंत्रियों का कार्य विभाजन में क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। कार्य विभाजन करने का जो कार्य रहता है, यानी कार्य विभाजन जो मंत्रियों का किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से। यानी वास्तव में क्या है, मुख्यमंत्री ही यह कार्य का विभाजन करने वाला होता है। जिस प्रकार से नाम की सूची बनाकर विभाग बताकर क्या किया था, मुख्यमंत्री ने दिया था राज्यपाल को, राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, उसी प्रकार से सेम सिस्टम यहाँ भी रहता है। यानी करने वाला होगा मुख्यमंत्री, और वैधानिक रूप से उस पर मोहर किसकी लगेगी, राज्यपाल की लगेगी। तो उनको क्या है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के सामूहिक कर्तव्य के द्वारा कार्य का विभाजन उनको दिया जाता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक भी रहते हैं। यानी एक मंत्री को क्या है, लगभग हमेशा ऐसा ही रहता है कि एक मंत्री को एक ही विभाग दिया जाता है या एक ही विभाग का अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन कई विशेष परिस्थितियों में क्या है, कुछ विशेष योग्य मंत्रियों को क्या है, एक से ज़्यादा भी विभाग सौंपे जाते हैं, ठीक है, ताकि वह उनकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा सकें, जिससे राज्य को और उनको दोनों को फायदा हो। इसके बाद है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण करना। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, यानी मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य, या मुख्यमंत्री जो है उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण से पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है, नंबर 1 नंबर 2। पहली तो रहती है पद के कर्तव्य पालन, पद के कर्तव्य पालन की शपथ,
और दूसरी जो शपथ रहती है वह रहती है गोपनीयता की। गोपनीयता की शपथ, ये दो शपथ क्या है राज्यपाल द्वारा प्रत्येक मंत्री को दिलाई जाती है ताकि वह इस शपथ के द्वारा अपने कार्य को में क्या है शुद्धता बरते। ठीक है, तो यहाँ तक अपने क्या है इसको पढ़ते हैं, बाद में आगे जो इसके कार्य वगैरह रहते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक के नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए। धन्यवाद।